अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं 7 टिप्स से कैसे रखें किडनी को फिट। डॉक्टर साहब देखिए, किडनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और आजकल बहुत सारे लोगों को किडनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और अनफॉर्चुनेटली आपको पता ही होगा कि किडनी एक बार ख़राब हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं होता है, डायलिसिस पे जाना पड़ता है, किडनी ट्रांसप्लांट। फिर हमारे यहाँ लोग आते हैं किडनी ख़राब करके आते हैं और हमारे यहाँ सब लोग ये समझते हैं कि शायद हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, हम ऐसे घुमाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आपको ब्लड प्रेशर है नंबर वन, तो ब्लड प्रेशर को लाइटली मत लीजिए। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स की किडनी अक्सर मैंने ख़राब होते हुए देखी है। अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर आपको बढ़ा हुआ रहता है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये केवल गोली खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको आयुर्वेद में आना पड़ेगा। अगर ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो आयुर्वेद से जुड़ जाइए, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत कुछ हम आपकी किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए करेंगे। दूसरी चीज़ जो है, खाने पीने में एसिडिक फूड, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग बहुत बड़ा नुकसान करती है। ये तंबाकू वगैरह का सेवन बिल्कुल बंद, डायरेक्टली किडनी पर इसका असर होता है। इसके साथ साथ जो है वेट मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, कोई भी जो है रोग जो है मुख्य रूप से ओबेसिटी के साथ इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि जब हमारा वेट ज़्यादा होता है तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशली वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट है, किडनी है, उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा तो जल्दी थक जाएंगे। बॉडी में कोई पॉइजनस चीज़ें ना जाएं, केमिकल्स जो आजकल प्रिजर्वेटिव्स भोजन में, अन्न में, गेहूं में, सब्जी में बहुत सारा हमारे यहाँ पेस्टिसाइड जा रहा है, वो किडनी को ख़राब करता है। एंड डोंट फॉरगेट, आपको मालूम हो गया तो डॉक्टर भी बताते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ जो हम खा रहे होते हैं बड़े शौक से, हर चीज़ के लिए एक गोली, एसिडिटी के लिए एक गोली, फिर चाहे भले उसके बाद चाय पी लेते हैं, एक गोली सिर दर्द के लिए, एक गोली डायबिटीज़ के लिए, एक गोली फलाने के लिए, 10-10, 15-15 जितनी ये गोलियां हम खाते हैं केमिकल मेडिसिंस, ये डायरेक्टली हमारे किडनी और लीवर को ख़राब करती हैं। ये कोई मैं नहीं कहता हूँ, आप डॉक्टर से पूछेंगे वो भी बताएगा। और किडनी को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा है मूली का सेवन करें आप, मूली अच्छी रहती है। नारियल पानी आप पिए, गन्ने का जूस आप पी सकते हैं, ये किडनी को जो है अच्छा। पानी भी पीना चाहिए, कुछ लोग बहुत कम पानी पीते हैं उससे भी किडनी ख़राब होती है, और ज़्यादा भी नहीं पीना है। कुछ लोग 6-6, 8-8 लीटर पानी पी रहे होते हैं मैंने देखा, तो उससे भी किडनी हमारी थक जाएगी क्योंकि ज़्यादा लोड उसके ऊपर पड़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं। और कभी भी जो है आपको कहीं कोई बॉडी में स्वेलिंग दिखती है, पैरों में, चेहरे पर थोड़ा वाटर रिटेंशन है, इसको लाइटली मत लो। तुरंत सेहत का नंबर है ना आपके पास, उसको कॉल करो, जीवा के डॉक्टर से बातचीत करो, क्योंकि अर्ली स्टेज में जब हमारे पास लोग आ जाते हैं तो उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में किडनी का रोग लेके आते हैं लोग तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वाई नॉट टू कम अर्ली, पहले आ जाओ हमारे पास, तो हम बहुत कुछ आपके लिए कर सकते हैं। तो कहने के लिए छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन आपकी जिंदगी में बड़ा असर डाल सकती हैं, बस जरूरत है इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने की। डॉक्टर साहब, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ आपको उसका उचित सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 01294040404 पर कॉल कर आप अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jeeva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jeeva-ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।